हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशिका ब्यूटी हब। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने ओपन पोर्स और क्लॉक पोर्स को अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा सही कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये है अल्ट्रासोनिक मशीन और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा होता है, वो कुछ सुई की तरह से होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप अपनी अल्ट्रासोनिक मशीन को सेट करते हैं। सेट करने के बाद जो इसका टूल होता है, जो पिन टूल होता है, उसको अटैच करते हैं अपनी मशीन से। देन उसको आँख के जो क्लॉक पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जो क्लॉक पोर्स होते हैं, जो दानों का मुंह बंद होता है, या जो वाइट सेट्स होते हैं जो कि बिल्कुल बंद टाइप के होते हैं और जिसका दाने का मुंह नहीं होता ना, उस पे ये यूज़ करते हैं। आप ओपन पोर्स पे नहीं यूज़ करिएगा कभी भी। तो क्या करते हैं, इसमें जो सुई है, इससे अल्ट्रासोनिक रेज निकलती है जो कि दानों पे दी जाती है। देखिए मैं किस इस तरह प्रकार से दानों पे इस सुई को थोड़ा थोड़ा सा टच करा रही हूँ। इसमें अल्ट्रासोनिक रेज निकलती है जो हल्का सा करंट टाइप का आपको महसूस होगा, बहुत ही मिनिमम होगा वो, जो कि आपको नहीं पता चलेगा ज़्यादा। बस हल्का सा जैसे चीटी काटती, उससे भी कम दर्द होता है। इसमें होता क्या है, आप पहले मेरे क्लाइंट का चेहरा देख लीजिए, पूरा दानों से भरा हुआ चेहरा था। ओके, तो अब जो इसमें आप मरे मरे दाने देख रहे हैं ना, ब्लैक हो चुके हैं, वो इस पर मैं दो बार करंट दे चुकी हूँ। होता क्या है, जब इस पर करंट देती हूँ उसके बाद ये दाना सूख जाता है, सूख जाने के बाद अपने आप से झड़ जाता है। किसी भी तरह की क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत आहिस्ते आहिस्ते मैं करंट दे रही हूँ, चुभाना नहीं है दाने में, आपको बस हल्का हल्का टच कराना है। टच कराने से क्या होगा, वो अल्ट्रासोनिक रेज इन दानों में जाएगी, देन उसको वो सुखा देगी। अच्छा, आप कितने प्रकार के यहाँ पे दाग धब्बे देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे को मोटे मोटे दाने थे जो कि बंद मुंह के थे, इसका कोई मुंह नहीं खुला हुआ था इन दानों का। और ये दो बार करंट डालने से सूख चुके हैं, इसी तरह से इधर भी खूब सारे थे। इनको इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिला है। अगर फ्रेंड्स आपके भी कुछ इसी प्रकार के दाने हैं जो कि क्रीम लगाने से या किसी भी प्रकार के इलाज से नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी पार्लर में जहाँ पर अल्ट्रासोनिक रेज दी जाती हो, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिए और अपने दानों पे ये ट्रीटमेंट कराइए। आपको हफ्ते दो हफ्ते में बिल्कुल फ़ायदा मिल जाएगा। होता क्या है, दाने एकदम सूख जाते हैं और सूख के झड़ जाते हैं, उसके बाद उसका जो दाग रह जाता है वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में या 15 दिन के अंदर चला जाता है। उन दाग धब्बों को हटाने के लिए आप इस पर किसी प्रकार का एलोवेरा जेल, लोशन कुछ भी लगा सकते हैं। जो एंटी मास्क क्रीम होती हैं दानों के लिए, वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो दाग धब्बे ना वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये परमानेंट दाग नहीं रहता है, ये थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। दाने अगर आते रहते हैं तो जो जिन जिन दानों में करंट पहुंच चुका है उन उन जगहों पे दाना नहीं निकलेगा, और कहीं नई जगह निकलता है तो आप फिर से एक बार उस पर अल्ट्रासोनिक रेज डलवा लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए या पूरी मशीन की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो इसका ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी मशीन से संबंधित, कि मशीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इस मशीन को यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको प्लीज़ भर भर के लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मेरा मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित रहती हूँ। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो पार्लर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस विषय पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो आज का कैसा लगा ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख लीजिए, इनके सारे दानों पे जो मोटे मोटे दाने थे उनको मैं अल्ट्रासोनिक रेज दे चुकी। लगभग ये ट्रीटमेंट 20 से 25 मिनट का होता है, और उसके बाद जो जब भी अपने घर जाएंगी तो 2 दिन में इनके दाने सूख के झड़ जाएंगे और इनको काफ़ी आराम मिला है। नेक्स्ट वीडियो में इनका मैं चेहरा आपको फिर से दिखाऊँगी, जो जो जिस पर मैंने करंट डाला है वो दाने जो सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं। तो जब ये नेक्स्ट मंथ मेरे पास आएंगी तो अभी मैं इनका वीडियो आपके लिए बना के दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।